दोस्तों कैसे हैं? आज 25 मार्च 2019 है और आपको एक जेट एयरवेज में एक अच्छी खासी न्यूज़ सुनने में आई होगी कि नरेश गोयल जी जो थे वहाँ उसके डायरेक्टर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और ये जेट एयरवेज देखिए कि हवा में उड़ने लगा। अभी टाटा मोटर्स गाड़ी से उतर रहा है और जेट एयरवेज ऊपर जा रहा है। अनिता गोयल जो उनकी वाइफ है और डायरेक्टर है, एंड केविन नाइट मीट द आउटगोइंग डायरेक्टर्स ऑफ जेट एयरवेज। After weeks of speculation over the future course of Jet Airways, the airlines board has approved an initial plan for advisory led domestic lender. Jet Airways chairman Naresh Goyal and his wife director Anita Goyal has stepped down from the board of the Airline Airlines along with one nominee of the Etihad Airways, Kevin Knight. Kevin Knight, Naresh Goyal ji chairman, unki wife Anita Goyal director, और एक केविन नाइट के हैं, एतिहाद एयरवेज के केविन नाइट जी, ये तीनों यहाँ से स्टेप आउट कर गए। इसमें कौन सा न्यूज़ था? ये तो पूरे मीडिया में चल रहा था, इसमें नया क्या था? इसका रेट जो है 254 रुपया 10 पैसे पे क्लोज हुआ है। हाई क्या था? ये 265 रुपये का। आज इसमें भी कोई नया नहीं है। इसने 52 वीक 651 बनाया है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। नया क्या है इसमें कि ये 4,32,41,234 के वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम किया है और कमिंग डेज में ये 280 की ओर जाते हुए दिख रहा है। ये नया है और ऐसा इसलिए दिख रहा है कि कुछ उसके टेक्निकल चार्ट बता रहे हैं, कुछ उसके मूविंग एवरेज बता रहे हैं। और ऐसे ही देखें तो अभी कहीं कहीं ओवरबाउट पे नहीं गया, 60% पे है। मीन्स ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बनता RSI में, और ये कहीं ना कहीं यहाँ तक जा सकता है 78 तक, जो पहले भी गया हुआ है। तो RSI ओवरसोल्ड कंडीशन पे नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरा, ये जो बार बार इस लेवल से जाकर के आप देखेंगे, ये बना रहा था और यहाँ से गिर रहा था, इस लेवल के ऊपर जाके कहीं ना कहीं क्लोजिंग एक स्पाइक लेके दिखा है, 250 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज देता है तो कहीं ना कहीं ये आपको जाकर के अब इस लेवल की ओर जाते हुए दिखेगा, जो कि 280-297 की ओर है, जो यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस भी है। तो आपको इस लेवल की ओर जाते हुए ये दिखेगा, क्योंकि ये लेवल को मेरे अंदाज से अब जो ये लेवल है इसका, वो इस लेवल को ये क्रॉस कर चुका है। मैं ऐसा मानता हूँ कि 254-255 को क्लोज कर चुका है, क्योंकि 265 का ये आज हाई बनाया था और 254 पे क्लोजिंग दिया। आज का जो करंट मार्केट प्राइस है 25 मार्च का 254 रुपया 10 पैसा है। ऐसा नहीं है कि इसका बिजनेस कल के कल सुधर जाएगा, क्योंकि अभी इन्होंने तो रिजाइन किया है। अब कौन आएगा? टाटा आएंगे कि दूसरा आएगा? और SBI जो नॉमिनेटेड बैंक है, जो फॉर्म है उनकी, फॉर्म क्या, उन्होंने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी उन्होंने फॉर्मेशन किया लोगों का, जो बोर्ड से जिससे रिजाइन मारे हैं, नए लोग कौन आएंगे वो देखना है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये ऊपर से फॉल किया था, आप देखेंगे तो बहुत ही हाई लेवल से फॉल किया हुआ है, ये छोटा लेवल पे नहीं था। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 1300-1400 और उसके बाद जब 900 हजार से समझिए कि अब लगभग फॉल किया हुआ है ये, और हजार से फॉल करके ये सीधे आ गया आपको 253 पे, और अभी कुछ दिन पहले भी 823 पे हुआ करता था। ये बहुत दिन नहीं है, 1 फरवरी 2018 साल भर पहले ही 823 के आसपास रेंज करता था, और वहां से जब एक बार ये फॉल किया है तो कंटिन्यू एक लोअर फॉर्म करते हुए नीचे की ओर गया और अपने लोअर बेस तक यहाँ तक आकर के लास्ट इसने 160-170 जो इसका 52 वीक लो है, 162-180 वहां तक गया। तो समझिए ये 800 रुपये से गिरा हुआ शेयर है। अगर सारे न्यूज अच्छे रहे तो इसको 800 पहुंचने में देर नहीं लगेगा। और अब अच्छाई क्या चीज है वो देखिए, ये अभी जो काम कर रहा है ये अपने 20 दिन 50 दिन और 100 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए काम कर रहा है, ये डेली बेसिस पे बता रहा हूँ। और इसका जो ये देखेंगे, ये लाइन जो है इसका 257, ये इसका 100 दिन का एवरेज डेमा बता रहा है। और ये नेक्स्ट जो कोशिश करेगा वो 282 की ओर कोशिश करेगा, जो कि इसका 150 डेज का डेमा है, और उसके बाद 200 दिन के तरफ कोशिश करेगा। तो 282 लगता है ये कहीं ना कहीं आपको बहुत सून दिखा देगा, बहुत जल्दी दिखा देगा आपको। उसका कारण क्या है आप देखेंगे अभी रिसेंटली। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि 25 मार्च को जो अभी क्लोजिंग हुई 4,32,41,000, उसमें सिर्फ 5.90% डिलीवरी है। और अगर उसकी वॉल्यूम वेटेड एवरेज की बात कर लूँ एक बार में,
एक बार वॉल्यूम वेटेड एवरेज की बात करूँ तो कहीं ह्यूज पॉइंट से क्लोजिंग दिया है, 243 का वॉल्यूम वेटेड एवरेज है, वहां पे 254 का क्लोजिंग दिया है। तो इस न्यूज का इम्पैक्ट इसको 280-282 की ओर लेके जाता हुआ दिखता है। आप एक चीज ये ध्यान रखें कि डिलीवरी बेस्ड है, मतलब ट्रेडर बेस्ड गेम हुआ है इसमें। अभी इसमें डिलीवरी को बहुत ज्यादा नहीं है, 5%, 6%, 7%, 8% आपका लास्ट टू वीक से देख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं है। और आज का जो हुआ 25,52,000, और जिससे प्राइस ये ऊपर गया है, अब वॉल्यूम भी बढ़ा है और वहां पे प्राइस भी अप गया है, तो कहीं ना कहीं ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ट्रेडिंग पॉइंट से ही बाइंग हुई है, और इसको कहीं ना कहीं 280 की ओर ले जाता हुआ दिखेगा। अगर मैं इसके डेरिवेटिव को देखूं जो कि 261 पे क्लोजिंग दिया है 25 मार्च 2019 को, ये पुट है ये कॉल है, तो अगर एट द मनी 261 पे जाकर के मैं देखूं 260 पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो कोई पुट की ओर तो कोई पोजिशन बनाई नहीं जा रही है, और यहाँ से अनवाइंडिंग हो रही है। अनवाइंडिंग अब हर तरफ से हो रही है, हर लेवल से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट का पोजिशन बना हुआ था, अब लोग यहाँ से निकल के भाग रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप देखेंगे तो 268,000 का 260 पे, 240 पे 239,000 का, 187,000 का 280 पे, और 264,000 का 300 पे, मीन्स 12,00,000 के अप्रोक्स जो शॉर्ट पोजीशन जो समझ में आ रहा है कि शॉर्ट पोजीशन ही होगा, क्योंकि इसके पहले ये अप नहीं कर रहा था और इसको गिराया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं 12,00,000 का कॉल जो है वो अनवाइंड होते हुए दिखेगा आपको, और ये नीचे पुट को शॉर्ट करते हुए हो सकता है पुट के और शॉर्ट पे जाए, क्योंकि अब जो उसको सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाएगा वो 220 से बिलो अभी तो इस क्लोजिंग में नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 10,00,000 अगर पुट की ओर शिफ्ट होते हैं और कॉल के अनवाइंड करते हैं तो 12,00,000 के पोजीशन इसको उठा करके ऊपर की ओर ले जाएंगे। और अगर आईबी भी देखें तो अब 280 तक जो है, 91 की आईबी है, 34 की आईबी 260 तक है, तो ये आराम से एक्चिवेबल है 91 तक आईबी या इस तरह के शेयर में, जहाँ पे 30-40 रुपये आज ही आप देखेंगे 28 रुपये का तो गेन है, लेकिन ये हाई गया था 65 रुपये का, मीन्स यहाँ से 11 रुपये और ऊपर तक गया था, ये मीन्स 11 रुपये माने तो 40 रुपये तक का एक दिन में ये गेन देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बार 40 रुपये लेगा तो 294 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो सीम दिख रहा है कि 280 तो इसको अचीव करते हुए दिखेगा, और ये नियरेस्ट 300 तक भी जा सकता है, और 320 जाएगा नहीं जाएगा ये कल के पोजिशन और डिलीवरी पर पता चलेगा। हो सकता है कि ये इस एक्सपायरी तक आपको जाते हुए नहीं दिखे, बिलो 300 ही जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पोजीशन इसमें कॉल की ओर बनते दिखेगी, क्योंकि ये जो शॉर्ट पोजीशन 12,00,000 का है ना, ये ऊपर की ओर जाएगा, जब ये बाहर अनवाइंड होंगे तो शेयर ऊपर की ओर जाएगा। तो इस एक्सपायरी को जो देख करके लग रहा है कि जेट एयरवेज 280 प्लस आपको देखने को मिल सकता है, ये एक अच्छा पोजीशन था। ये न्यूज़ नहीं था कि जेट एयरवेज नरेश गोयल जी जा रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ नहीं थी, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट ये न्यूज़ के लिए मैंने नहीं बनाया था, मैंने इस टारगेट के लिए बनाया था कि ये कहां तक जा सकता है, जो कि मुझे लिखता है 282 जो इसका 150 डेज का डेमा है, यहां तक ये जा सकता है ऐसा दिखता है। और अगर इसी को मैं अगर वीकली बेसिस पे भी ट्राई करूं देखने के लिए तो क्या हो सकता है, तो एक कहीं ना कहीं यहां पे जो दिख रहा है 320 का लेवल 20 डेज वीकली बेसिस पे, तो 320 आपका 50 डेज का डेमा आ रहा है, तो अगर 280 क्रॉस करता है तो हो सकता है ये 320 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा। जेट एयरवेज में अभी पॉजिटिव पोजीशन आपको बाइंग करनी चाहिए, पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए, क्योंकि अब इसमें जो खराब है ना है खत्म हो चुका, मेरे अंदाज से अब जो भी आएंगे, जो भी मैनेजमेंट आएगी इसको चलाने के उद्देश्य आएगी, तो अगर ये आपको नीचे जाता है तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसको बाई करना चाहिए। 900 का शेयर हुआ करता है और अभी भी इंडिगो देखेंगे 1400-1200 पे चल रहा है, तो इंडिगो के कंपेरिजन में ये आपको अच्छा दिखेगा, अच्छे वैल्यूएशन और रिटर्न दे सकता है। तो जेट एयरवेज में एक पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव व्यू है, पॉजिटिव ओपिनियन है, ये 280 प्लस की ओर जाते हुए दिखता है। ये सिर्फ मेरा एजुकेशनल पर्पज से ओपिनियन था, व्यू था, मेरा कोई रिकमेंडेशन बाइंग और सेलिंग का नहीं है। अगर आपको करना है तो आप पहले इसको सीखे, देखे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही पोजीशन बनाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत